नमस्कार, दीक्षित आयुर्वेद चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको करेले का झटपट अचार बनाना सिखाती हूँ। अचार मतलब साइड डिश। करेले का नाम लेते ही नाक मरोड़ना, बच्चों को अगर बोला करेला खाओ तो नहीं नहीं बहुत कड़वा होता है, इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। तो ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी और फटाफट बनने वाली रेसिपी है, और दूसरा करेले के जो गुण है उसको भी बढ़ाने वाले हैं। आप जानते हैं दोस्तों, करेला जो है वो कड़वापन की वजह से पचने में मदद करता है, भूख को बढ़ाता है, गैस कम करता है, पेट में अगर कीड़े हो, वर्म्स हो, तो उसको भी कम करता है। और कड़वा रस ये हमारे आहार में, जैसे 6 ही रस होने चाहिए, उसमें कड़वा रस भी होना चाहिए। तो बीच बीच में करेले की सब्जी करनी चाहिए, और ये जो मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ वो भी हम थोड़ी थोड़ी अचार की तरह ले सकते हैं, और उससे हमारे मुंह का टेस्ट बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बारीक छोटे छोटे टुकड़े करेले के कर लिए हैं, छोटे टुकड़े। फिर मैंने 2 नींबू का रस निकाल लिया है। ये सेंधा नमक है, सेंधा नमक भी भूख बढ़ाता है, गैस कम करता है, और पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे खाने का टेस्ट बढ़ाता है। यहाँ थोड़ी छोटी कटी हुई हरी मिर्ची ली है और हल्दी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे करेले में हम ये नींबू का रस मिला लेंगे। नींबू कैसे हैं उसके हिसाब से, या 2 या 3 नींबू आप ले सकते हैं। इसमें हम इतने करेले में 1/2 चम्मच हल्दी मिलाएंगे, ये बारीक कटी हुई मिर्ची, और टेस्ट के हिसाब से लगभग 1 चम्मच सेंधा नमक मिला लेंगे। बस देखिए दोस्तों, हो गई रेसिपी तैयार। इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसको अगर आप वसंत ऋतु में बना रहे हैं तो इसमें आप अदरक के टुकड़े डाल सकते हैं। अगर आप ठंडी में बना रहे हैं तो आप इसमें अदरक और हल्दी के टुकड़े भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे, जो कि फ्रेश हल्दी मिलती है। तो इस तरह से मिक्स करके आप इसको किसी कांच की बरनी में भर लें। तो इस तरह से आप बरनी में भर लें, और इसको 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए रखना चाहिए। बीच बीच में आप इसको हिलाते रहिए, और बाद में दूसरे या तीसरे दिन इसको जब आप खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा, और उसका कड़वापन भी कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट रहते हैं वो हमेशा करेला खाते हैं या बार बार खाते हैं, उनको टेस्ट नहीं लगता। ये अगर आप बना लेंगे तो ये टेस्टी भी हो जाएगा और पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट ज़रूर डालिए। हम आगे भी आपको इस तरह की और हेल्दी रेसिपी दिखाने वाले हैं। तो दीक्षित आयुर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।